ये आप लोगों ने आज पेन डाउन किया है, क्या कारण है इस वजह से? ऐसा है कि हमारे बक के 14 कर्मचारियों ने संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र में एक 40 माह के वेतन के संबंध में अजीत अहमद मुख्य कार्यपालक अधिकारी सिया सेंट्रल बक बोर्ड को एक अनुरोध पत्र भेजा था और उस पत्र का संज्ञान उनके द्वारा नहीं लिया गया और 21 महीने का वेतन अभी तक पेंडिंग है। पुनः उन लोगों ने एक नोटिस के रूप में कहा कि अगर हमारा 17/9/2024 को जो चेयरमैन को लिखा गया था कि आप महोदय हमारी समस्याओं का 41 माह का वेतन जो है जो पेंडिंग है उसको दिलाने का कष्ट करें जो भी प्रक्रिया होती है, उसके बाद कोई पत्रों पर 13 दिन बीत जाने में कोई कार्रवाई नहीं। फिर हम लोगों ने एक लीगल नोटिस दिया अनुरोध पत्र के साथ कि अगर आप हमारा वेतन नहीं भुगतान करेंगे, यानी कि 2 माह बीत जाने के बाद 11/11/2024 को, उसके बाद अभी तक कोई वेतन का भुगतान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक पत्र लिखा गया है वित्त अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश वित्त अनुभाग वित्त को बक कल्याण विभाग अनुभाग 2 को लिखा गया है, जिसमें मतलब समस्याओं के समाधान के लिए लिखा गया है, ये नहीं लिखा गया है कि इनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। और उक्त शर्त की जब हम लोगों ने स्ट्राइक पे जाने की बात कही और अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से आज हमने पेन डाउन किया हमारे कर्मचारियों ने, तो उनका एक पत्र आया कार्यपालक अधिकारी का, वह लिखते हैं कि आपकी मांग जायज है, सही है और इस पे समाधान कराया जाए, बोर्ड चिंतित है। लेकिन बोर्ड 2 माह हो गया अभी तक चिंता नहीं है, 41 माह पहले से वेतन रुका हुआ है, मतलब 2 माह ये 41 माह पहले से 40 माह का वेतन मिला है। और यहाँ के चेयरमैन जो है 12/9/2021 से कार्यरत हैं, उनके भी उस पत्र का जो है संज्ञान नहीं लिया। इस तरह से हमारे कर्मचारियों को बिना वेतन का काम लिया जा रहा है, कर्मचारी जो है उत्पीड़ित हो रहे हैं, बच्चों के शिक्षा पे कुप्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ रहा है और किराए का मकान देने के लिए परेशान है, और ऊपर से 40 महीने का जो वेतन का भुगतान नहीं हुआ, हमारे कर्मचारी अपने कर्जा लेके आ रहे हैं और बफ का काम कार्य समाधान कर रहे थे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तब यह बाध्य होकर इनको इस स्थिति को उतरना पड़ा। अभी ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और आज की स्थिति यह है कि चेयरमैन साहब ने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया हमारे प्रशासनिक अधिकारी साहब को, हसन रिजवी साहब वहाँ सारे कर्मचारी थे और उन्होंने ये भी लैंग्वेज में गलत लफ्ज में कहा कि हम बुलाइए जो होगा सब सालों को देख लेंगे, ये स्थिति बहुत ख़राब है और इस तरह का पार्लियामेंट भाषा चेयरमैन को कहना जो है अच्छी बात नहीं है। और उनको पता नहीं कि जवाहर भवन संगठन की क्या स्थिति है, यहाँ बड़े बड़े चेयरमैन और IAS का सुधारगिर बना दिया गया है, और अगर इस तरह से जो गाली दिया इसकी शिकायत मैं माननीय योगी जी से करूँगा और माननीय अपने पंचायती राज मंत्री, मैं पंचायती राज का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, माननीय पंचायती राज ओम प्रकाश राजभर से करूँगा। ऐसे चेयरमैन जो 21 से काम कर रहा है और कर्मचारी को उत्पीड़न कर रहा है, वेतन का भुगतान नहीं करा सकता है, ऐसे चेयरमैन को यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है, इनको भी हटाने की बात करूँगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो अभी हम पूरे प्रदेश के, अभी हम उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन के भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम सब प्रदेश के संघ महासंघ सब इनके साथ आएंगे और चेयरमैन को यहाँ घुसने नहीं देंगे। अभी इन्होंने जाना नहीं, जवाहर भवन की हड़ताल में BV सिलंदर ने कहा था कि जवाहर भवन इंदिरा भवन एक कर्मचारी संगठन ऐसा है कि जिसके आंदोलन पर सरकार में भूचाल आ जाता है। अभी ये लोग समझ रहे हैं कि यही 14 कर्मचारियों का आंदोलन है, यह प्रदेश स्तरीय आंदोलन बनेगा अगर इस चेयरमैन के रवैया और इस विभाग में वेतन का भुगतान के लिए कार्रवाई शीघ्र नहीं की जाती है। इसी प्रकार कोई आश्वासन मिल पाया या नहीं? अभी इस पत्र में कह रहे हैं कि मतलब इनके वेतन के लिए हमने पत्र लिखा है, लेकिन पत्र लिखने से काम नहीं होता है। आप जब 11 को कार्य बहिष्कार पर चले गए तब पत्र लिख रहे हैं, इसके पहले जो है 14/4/9 को भी लिख सकते थे और 17/9 को भी लिख सकते थे। जो है आप लोगों का हड़ताल कब तक चलने वाला है? यह जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक चलेगी। अगर इन कर्मचारियों के साथ पहली बार जो अभद्रता किया उसके खिलाफ तो मतलब हम FIR कराएंगे हमारे कर्मचारियों को जो गाली है। यहाँ का कोई भी अधिकारी यह सुन ले कि अगर हमारे कर्मचारियों के साथ कोई भी पार्लियामेंट्री भाषा बोलता है तो उस अधिकारी के साथ उसी तरह का व्यवहार करता हूँ और करके दिखा दूंगा। ये घबराए ना चेयरमैन साहब कि ये 14 कर्मचारी को बहादुर बोस बने हुए हैं ना,
जब यहाँ जवाहर भवन इंदिरा भवन के कर्मचारी इनको घेरेंगे तो इनको पता चलेगा। इस तरह पहली बार एक बार हमारे कर्मचारी को निलंबित किया था, यहाँ के सदस्य थे मानी, उनको हम लोगों ने खदेड़ दिया गेट तक। और अभी पूछ लेंगे अपने पीएपीए से क्या हुआ था पूर्व सदस्य के साथ। जब तक आपकी मांगे नहीं मांगी जाएगी ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है एकदम। अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो यह आंदोलन प्रदेश का आंदोलन बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और चेयरमैन रजिस्ट्रार और मंत्री भी दोषी हो जाएंगे। लेकिन मंत्री से हम अभी बात अपनी नहीं ले गए, अभी घर की बात घर में समझा रहे थे कि सुन लीजिए, अन्न बिना कर रहे थे हमारे कर्मचारी, क्योंकि बहुत ही 40 महीने का जिसका वेतन नहीं मिलेगा, आप बताइए कितने शर्म की बात है। ये बैठे हैं चेयरमैन बन के, इनके जो हमारा आय का स्रोत है उससे ये चेयरमैन चरागाह बना दिए हैं। हम भी जानते हैं दुनिया के चेयरमैनों को क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। बोर्ड की अध्यक्षता करना इनका काम है और समस्याओं को सुनना। कितना एक कर्मचारी अगर न रहे तो ये चेयरमैन बैठ के अपना समस्याओं शिकायतों का निस्तारण नहीं कर सकते हैं, और वो कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। ऐसे तो लानत है इसे चेयरमैन को, इनको सर्व चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपनी जो हैकड़ी बता रहे कि मैं राजमंत्री के दर्जा प्राप्त हूँ, ये कर दूंगा, तुम लोग साथ करूंगा, तो यही ताकत अपनी दिखा दें मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि जाके इनका वेतन भुगतान करा के लाओ शासन से। तब मैं मानूंगा कि हाँ चेयरमैन तुम हो, लेकिन तुम खाली गाली देने के लिए चेयरमैन नहीं बनाए गए, जनता के हितों के लिए बनाए गए। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती है। तानाशाही अधिकारियों कर्मचारियों ऐसे भ्रष्ट चेयरमैनों और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए हम शासन प्रशासन भी लिखेंगे और मीडिया में भी तक नहीं बोल रहे थे लोग, कर्मचारी हमारे छोटे थे। जब प्रदेश के हम लोग आएंगे तो मीडिया में भी ये आवाज़ उठाएंगे, इनके भ्रष्टाचार की भी जांच कराने की मांग करेंगे।